ईडी पूछताछ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां ईडी की पूछताछ पर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि ईडी का जो काम है वो कर रही है, छुपाने वाली कोई बात नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि ईडी जब भी बुलाएगी मैं जाऊंगा और कुछ भी गलत नहीं किया है, मैंने कॉलोनाइजर को एक इंच भी जमीन नहीं दी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये बात विधानसभा में भी कह चुका हूं, जब भी ईडी बुलाएगी मैं जरूर जाऊंगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां ईडी पूछताछ के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बोला कि ईडी का जो काम है वो कर रही है और छुपाने वाली कोई बात नहीं है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी जब भी बुलाएगी मैं जरूर जाऊंगा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, कॉलोनाइजर को एक इंच भी जमीन नहीं दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि उन्होंने ये बात विधानसभा में भी कही थी और आने वाले समय में भी ईडी जब भी पूछताछ के लिए बुलाएगी वो जरूर जाएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां ईडी पूछताछ मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अब पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। तो वहीं ईडी की पूछताछ पर उन्होंने बयान देते हुए ये भी कहा कि मैंने कॉलोनाइजर को एक इंच भी जमीन नहीं दी और ये बात मैं विधानसभा में भी कह चुका हूं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, ईडी जब भी पूछताछ के लिए बुलाएगी मैं जरूर जाऊंगा, ईडी का जो काम है वो कर रही है और छुपाने वाली कोई बात नहीं है। तो आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी ने पूछताछ की थी, लगभग 7 घंटे पूछताछ की गई थी। वही पूछताछ के बाद ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी पहली प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आई है और उन्होंने इस बात पर बयान देते हुए कहा कि ईडी का जो काम है वो कर रही है। जो भी वो उनका काम है, मेरे को कोई इस बात की वो नहीं है, क्योंकि कोई नथिंग टू हाइड ना मेरे पास है। तो क्या जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार जाऊंगा, वो तो उनका काम है। मैं कानून मानने वाला आदमी हूँ, कानून जानता हूँ और जुडिशी पे मेरा पूरा विश्वास है। वो गाड़ा एक्वायर करके जो मैंने पढ़ा, कॉलोनाइजर को दी, 1 इंच नहीं दी हमने। सफेद झूठ बोलने की आदत है जिसको मैं क्या करूँगा। मतलब ये कहा जाता है कि प्राइवेट बिल्डिंग भाई बता दिया, एक इंच भी नहीं दी प्राइवेट बिल्डर्स को, समझे। मैं असेंबली में भी कह चुका हूँ ये बात, सर एक्वायर करके 1 इंच भी प्राइवेट बिल्डर्स को जमीन नहीं दी हमने।